हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEVAA 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आगे पार्ट कंटिन्यू करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है आपकी, इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, जिसमें मैं अभी आपको फर्स्ट ब्लॉक करवा रही हूँ। और फर्स्ट ब्लॉक की भी हम फर्स्ट यूनिट करेंगे, जिसमें से कुछ हद तक मैंने स्टार्ट कर दिया है आर इन्वायरमेंट को। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, आज ये कम्प्लीट हो जाएगी आपकी। तो देखिए, इसमें मैं आपको ये चीज़ें कंप्लीट करवा चुकी हूँ आर एनवायरनमेंट में। अभी इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं, इसके बाद में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। पहले इनको, ये जो कंसेप्ट है इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे 2 क्वेश्चंस दिखा दूंगी कि आपसे एग्ज़ाम में किस तरीके से इससे क्वेश्चन आता है। टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे बुक में आपको डेफिनेशन दे रखी है, इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, वो क्या होता है, एक ऐसा आइडिया जो कि इसलिए इसको बनाया जाता है कि जो चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम अभी अच्छे से यूज़ कर लें और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है ना, वो भी उनको यूज़ कर पाए, उन तरीक़ों से हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इज़ रेफर्स टू एज द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग शुड सस्टेन बाय मीटिंग देयर बेसिक नीड्स वाइल ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट द फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। तो जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती है ना, डे टू डे लाइफ में अपने काम करने के लिए जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कि जिसके बिना सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उन सबको, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ करें और इस तरीके से यूज़ करें कि जितना अभी हमारी जो नीड्स है वो पूरी हो जाएँ, प्लस जो फ्यूचर परस्पेक्टिव से जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको अच्छे से यूज़ कर पाए। इन शॉर्ट यही कहा मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर है, पेट्रोलियम है, कोई भी जो चीज़ें हैं ना, तो इनको हम ऐसे यूटिलाइज़ करें कि फ्यूचर में हम इनको यूज़ कर सकें। जितनी ज़रूरत अभी है हमें उतना यूज़ करें, बाकी वेस्ट करने का ना सोचें इन सारे सामान को। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बता रखा है। अब यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे ये जो है ब्रुटनलैंड, इन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो दोनों ही सेम डायरेक्ट लाइन है, स्टेटमेंट सेम है दोनों, आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ये थे, इनके अलावा जो स्कॉलर है उनका नाम है हरमन डेले, इनके अकॉर्डिंग भी ये एक इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको डिफाइन किया था एज अ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि जो कॉन्ट्राडिक्टिव टर्म्स होती है ना, उनको कंबाइन करता है। जैसे कि बिटर स्वीट हो गया, प्रिटी अगली हो गया। अब इसका एग्जांपल मैं इसको समझाती हूँ, ऑक्सीमोरन कैसे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ पेन वर्ड, अगर हम सोचते हैं तो हम सबको लगता है कि जो पेन वर्ड है ना, तो वो क्या है, एक आपको तकलीफ दे रहा है, आपको आप उससे एक सफरर ही है। लेकिन कई बार हमें ना बहुत मतलब पेन जब होता है ना, वो भी बहुत तरीके से हो सकता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपके इंटेंशंस हैं, वो जो आपको पेन हो रहा है फिजिकली, वो एक अलग तरीके से हो रहा है। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जो पेन आपको मिल रहा है आपकी बॉडी में, जो भी जिस भी तरीके से पेन मिल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छे सेंस में मिल रहा हो। जैसे आप जब कुछ भी आपको अचीव करना होता है, तो उस टाइम पे आप हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स देते हैं, तो वो एक तरीके का पेन है। लेकिन उस टाइम पे ना, उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन उसके बाद में वो जो पेन है ना, उसका जब पे ऑफ होता है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ चलो, जो हमने चीज़ करी थी, एटलीस्ट हमें उसके बदले में काफ़ी चीज़ें मिली, तो वो चीज़ें ना एक ओवरऑल क्लियर हो जाती है। तो यही आपको यहाँ पे समझा रखा है कि प्रिटी एग्ली हो गया, ब्रिटर स्वीट, तो ये दो ऑपोजिट टर्म्स है, लेकिन इनको साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके दे रखा है, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना, देखिए यहाँ पे ऊपर 2 वर्ड्स हैं, एक होता है सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, इसको इन 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसको भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। तो क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है ये भी। इसका मतलब जैसे जो स्टेज ऑफ एडवांसमेंट होता है, बेसिकली जो वर्ड है ना सस्टेनेबिलिटी, ये कहाँ से लिया गया है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये चीज़ आपको अपने क्वेश्चन में डेफिनेटली लिखनी है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी, और या फिर इसको आपको डिफाइन करना है, तो आप कैसे करेंगे, ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव है, लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है, टू होल्ड अप। ओके, तो इन शॉर्ट जो ये आपके पास में मीनिंग है सस्टेनेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेन वन बींग्स टू मेंटेन, सपोर्ट और एंड्योर।
तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे समझाया कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, प्लस हम चीज़ों को ऐसे यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जो उनकी जो नीड्स होंगी, जो उनकी बेसिक नीड्स होंगी, वो भी साथ में इसके पूरी हो जाए। ये पॉइंट हो गया। सस्टेनेबिलिटी रेफर क्या करता है, एक प्रोसेस होता है विच कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विदाउट डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज बेस ऑन विच इट डिपेंड्स। Therefore, it is a practical goal towards which our interaction with the natural world should be directed. The guiding principle of sustainability cut across ecological, economic, social and cultural dimensions. तो ये points आपको sustainable development में ध्यान रखना है। और जो sustainable development है ना, ये आज का जो time चल रहा है, जैसे हमारे जो resources हैं उनको बहुत जल्दी उनका depletion हो रहा है, plus population बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इन सब की वजह से जो आज के time में ये जो आपको natural resources देखने को मिलेंगे, तो उसमें आप ये पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं कि ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, यहाँ पे टोटल 3 इंपॉर्टेंट डिसिप्लाइंस दे रखे हैं या 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स इसके दे रखे हैं। ये देखिए डायग्राम आपका क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें आप इस डायग्राम को डेफिनेटली यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आपके एग्जामिनर पे पड़ेगा इस चीज़ का कि यहाँ पे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स कौन से दे रखे हैं। एक है सोशल, एक है इन्वायरमेंट और एक है इकोनॉमिक। आप इस तरीके से भी इसके चार्ट को बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मल भी लिख कर भी शो कर सकते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद में ऐसे आप ब्रांचेस बना के सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ऐसे ये लिख के, और फिर यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे सोशल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फूड आ गया, शेल्टर, क्लोथिंग, जो सबकी बेसिक नीड होती है, सबको ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक परस्पेक्टिव पे आपने देख लिया, उसके अलावा इन्वायरमेंट में देख लिया, तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको 3 पिलर्स में डिवाइड किया गया, जो तीनों पिलर्स मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे बुक में अगर मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँ तो ये जो इकोनॉमिक हो गया, यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट हो गया, सोशियोलॉजिस्ट का मतलब जो सोशल पर्सपेक्टिव हो गया, और इकोलॉजिस्ट यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेट, तो इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंट, तो ये 3 पिलर्स हैं जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिवाइड किया गया है। तीनों ही पिलर्स के बारे में आपको यहाँ पे मेजर पॉइंट लिखने हैं, उसके बाद में आप एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये किससे कंसर्न करता है, जो ग्रोथ है, एफिशिएंसी हो गई, जो भी हमारे यूज रिसोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड बात करी जाती है। सोशियोलॉजिस्ट बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं, जो भी कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे इक्वेटी हो गया कि बराबरी होनी चाहिए, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इम्पावरमेंट हो गया, सोशल कोहेशंस हो गए, तो ये चीज़ हमारे सोशल टॉपिक्स में आती हैं। इकोलॉजिस्ट में क्या क्या आता है, जो ग्रेटेस्ट कंसर्न शो करता है प्रिजर्विंग नेचुरल सिस्टम्स, जैसे यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी हो गई इन्वायरमेंट की, और चीज़ें ना, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन का लेवल क्या ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहा है, और आपको पता है जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये पॉइंट्स की आप हेल्प लेके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस जो इकोलॉजिस्ट है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे एयर, साफ हवा, लैंड, ये सब चीज़ों की हमारी जो लाइफ है ना उसमें कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर डैमेज होने से कितना कुछ हमको फेस करना पड़ सकता है, कितना कुछ हमको सफर करना पड़ सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे डिज़ायर्ड गोल है ना, जो ये 3 चीज़ों में, जैसे सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, इन्वायरमेंट लेवल पे, जो हमारे ये डिज़ायर्ड गोल्स हैं, इसमें सोसाइटी ने कुछ सर्टेन ट्रांजिशंस करी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे 5 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकेंड आता है रिसोर्स ट्रांजिशन, थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल, 4 नंबर पे पॉलिटिकल, और 5 नंबर पे कम्युनिटी ट्रांजिशन। तो ये 5 टाइप के ट्रांजिशंस आती हैं, आप इसको भी ग्राफ या फ्लो चार्ट बना के शो कर सकते हैं और फिर हर एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट की हम बात करें, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, तो ये क्या है, इसमें जो कॉन्टीन्यूअली ग्रोइंग होती है ना पॉपुलेशन की काफ़ी स्टेबल कंडीशन में, जैसे कि जो पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जहाँ पे पहले एक घर था तो उसकी जगह पे वहाँ पे आजकल बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्योंकि घर बनाने से ना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी ज़मीन नहीं है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, इसकी वजह से बिल्डिंग्स का जो साइज़ है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो जहाँ पे लोग, जो पॉपुलेशन है वो सेटल हो रही है। इसके अलावा रिसोर्स ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करी जाती है,
जैसे कि जो किसी की इनकम हो गई या जो प्रोटेक्ट होता है इकोसिस्टम को कैपिटल फ्रॉम डिप्लीशन, जो इकोसिस्टम है ना इसको डिप्लीट होने से, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, नेचर है, एयर है, इन सब चीज़ों को डैमेज होने से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब हो गया जो पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन है ना, जैसे कि अभी जो हमारी हमारा भारत देश है ना वो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना वहाँ पर क्या होता है, कार्बन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एमिट होता है, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कैसे उस पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया जाए। पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन हो गया, कम्युनिटी ट्रांजिशंस हो गए, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ आपको प्रायोरिटी एरियाज दे रखे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना उसको अचीव करने के लिए हम कैसे इन पे ध्यान दे सकते हैं। तो कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये टोटल आपको 7 एरियाज दे रखे हैं। अगर आपको इनकी डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो 7 एरियाज हैं इनको याद रख सकते हैं। जैसे स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना उसको कम करने पे, ऑब्वियसली अगर पॉल्यूशन और पॉपुलेशन कम होती है ना, मतलब लोग कम रहेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, रिसोर्सेज कम से कम यूज़ होंगे, तो इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनमें काफ़ी हद तक उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना इसको स्लो डाउन, इसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि प्रायोरिटी एरियाज़ है जहाँ पे ये चीज़, जो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली जैसे एरिया की अगर हम बात करें, छोटा सा एरिया है, अगर मैप आप देखते हैं ना एकदम बिंदु जितनी जगह होती है और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग रहते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, आप ये सब चीज़ें समझते हैं। तो इस सब वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिड्यूस पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड डेबिट। तो यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स आप याद रखेंगे, एक तो हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लिटरेसी रेट बढ़ेगा ना तो ये चीज़ें आपस में अपने आप ही समझने लग जाएंगी। जब लिटरेसी रेट बढ़ता है ना, लोग पढ़े लिखे होते हैं तो उनको चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई हमें हमारी जो नेचुरल चीज़ें उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्यों उसको प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से वो हमारी नेचर के लिए, अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, तो जिसकी वजह से ना चोरी और ऐसे क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं। अगर लोगों के पास में काम धंधा होगा, कुछ काम करेंगे तो उसमें बिजी रहेंगे तो फालतू जगह पर कहीं पर भी ध्यान नहीं जाता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है हमारा मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है इसमें क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट तो आता है जो सॉइल इरोजन है उसको रिड्यूस करना। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो मिट्टी है ना उसकी ऊपर वाली लेयर हट जाए। ऊपर वाली लेयर हटने के दो मेन तरीके होते हैं। पहली तो ये कि जैसे पेड़ अगर हटा दिए जाते हैं तो उस टाइम पे जब हवा तेज चलेगी, आंधी जिसको कहते हैं, उसके चलने से जो मिट्टी है ना वो उड़ने लग जाती है। मिट्टी उड़ के वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी, वो खत्म होने लग जाती है। इसके अलावा अगर पेड़ नहीं होते तो जिस भी एरिया में बाढ़ आती है, फ्लड आती है, पानी बहुत ज़्यादा बहता है, तो मिट्टी उस पानी के साथ में बहते हुए आगे ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे पेड़ होते हैं तो पेड़ क्या है, मिट्टी को, जो पेड़ के जो ये ट्री मानिए और ये इसकी रूट्स हैं, तो जो इसकी रूट्स हैं ना वो क्या करती हैं, मिट्टी को बाइंड अप करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो जिसकी वजह से बारिश आए या तेज़ हवाएं चले तो उसमें मिट्टी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जल्दी से उड़ती नहीं है। तो जितना भी हम सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेंगे तो उससे जो हमारी हार्मफुल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ना वो काफ़ी हद तक डिक्रीज करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है उसको हम रिड्यूस कर सके। जितनी भी जो भी आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करें अपनी क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए, कम पैसों में ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए। तो वो चीज़ को हम जितना कम से कम करेंगे तो उससे हमारे जो हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, वो दोनों ही काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे। ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स। जो फॉरेस्ट है और बाकी के जो हैबिटेट्स हैं ना उनको भी प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे रीफॉरेस्टेशन हो गया, अफॉरेस्टेशन हो गया, और जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक जंगल रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तो ये चीज़ें जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रहते हैं। जब पेड़ पौधे वगैरह सब हट जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। प्लस एनिमल जो वाइल्ड लाइफ है उनके ऊपर भी बहुत थ्रेट आता है, क्योंकि वो फिर रोड पर सोसाइटीज़ में आएंगे और लोग अपने आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनको मार देते हैं।
इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। अच्छा, ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह, सबसे पहली तो ओजोन लेयर को O3 सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये डिप्लीट, ये डैमेज क्यों हो रही है? क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, और नियॉन गैस। ये चीज़ें क्या है, हमारी जो कूलिंग चीज़ें होती हैं ना, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, तो इनके अंदर ना ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब ये इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है ना, उसमें कहीं ना कहीं होल हो गया है और कैंसर जैसी बीमारियाँ होने लग गई है। क्यों? क्योंकि जो सन रेज है ना, वो वहाँ से डायरेक्ट हमारी अर्थ पे पहुँचने लग गई। और आपको पता है, सनरेज बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, क्योंकि वो इतना गर्म होता है कि आप नॉर्मल जो हमारी स्किन है ना, वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, बर्नड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, और जो एनर्जी और मिनरल्स है उनके डिप्लीशन के लिए। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट है और जो अदर हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 इज़ मेक वाटर एंड एनर्जी यूज़ सस्टेनेबल। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो कंजर्विंग एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, जो एनर्जी को दोबारा से क्रिएट किया जा सकता हो। इसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है ना, उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी साफ हवा में हम सांस लेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर यूज़ है उसको सस्टेनेबल बना दिया, जैसे वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो वाटर में जैसे बहुत सारे केमिकल्स रिवर्स वगैरह में हम लोग फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे जो हमारा पानी हो काफ़ी हद तक खराब हो जाता है। उसी पानी को हम लोग एनिमल्स, तो वो सब लोग पी रहे होते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 इज रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। अब ये जो 7th पॉइंट है, रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, तो इसमें क्या है, जैसे जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसेस होते हैं, वेस्ट का ट्रीटमेंट है। अब कहीं पे भी मानिए कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कोई सामान बनाया गया, तो उस फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। उस वेस्ट को कैसे डीकम्पोज किया जा सकता है, कैसे उसको रिसाइकिल प्रोसेसिंग में किया जा सकता है कि उससे हमारे इन्वायरमेंट पे, नेचर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि हर एक कंपनी, इंडस्ट्री सेक्टर ना, अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये जो प्रोडक्ट है या जो ये सामान है, इससे हमारे इन्वायरमेंट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसको डैमेज, उसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें आपको लॉस में जाते हुए देखने को मिल जाती हैं। तो इस पॉइंट पे वर्क किया जा सकता है, तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट जनरेशन है ना, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए, अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अचीव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनता संख्या, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको कैसे हम स्लो डाउन, कम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और थर्ड वर्ल्ड डेबिट। थर्ड वन इज़ मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। नंबर 4 इज़ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स। नंबर 5 इज़ मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल। नंबर 6 इज़ मेक वाटर यूज सस्टेनेबल। नंबर 7 इज़ रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। तो ये 7 पॉइंट्स में आपको आंसर दे रखा था। इसके बाद में यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। आपको थर्ड नंबर पे जो सेल्फ असेसमेंट दे रखी है, उसमें क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इसको हमारे लिए इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अपहोल्ड करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की ये जो वीडियो थी, इसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नाउ मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें इसकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम इसका सेकंड यूनिट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।